हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ क्लास सेवन्थ चैप्टर इलेवन पैरामीटर एंड एरिया। पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में करेंगे। तो पैरामीटर एंड एरिया, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पैरामीटर एंड व्हाट इज़ एरिया एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड एरिया। बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं पैरामीटर और एरिया के अंदर कि व्हाट इज़ पैरामीटर एंड व्हाट इज़ एरिया और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हम बारीकी से इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि पैरामीटर और एरिया क्या होते हैं और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास स्क्वेयर है, तो जब इसकी हम बात करते हैं पैरामीटर की, पैरामीटर से हमारा मतलब है इसके सराउंडिंग का, इसकी बाउंड्री। कि लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है, ए से हमने चलना स्टार्ट किया, ए से हम बी तक गए, बी से पॉइंट सी तक, सी से पॉइंट डी तक और डी से वापस पॉइंट ए के ऊपर हम पहुंच गए। तो हमने डिस्टेंस कवर की जो पॉइंट ए से लेकर के बी से होते हुए सी से होते हुए डी तक और डी से वापस ए तक, तो जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमने जो कवर की है, वही डिस्टेंस क्या कहलाएगी, पैरामीटर। यानी इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो सराउंडिंग है, उसकी टोटल लेंथ वो कहलाएगी पैरामीटर। और सपोज करें ये हमारे पास फोर है, तो इस फिगर का जो पैरामीटर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर प्लस फोर प्लस फोर 16 सेंटीमीटर। तो ये इसका पैरामीटर होगा। अगर हम बात करें एरिया की, व्हाट इज़ एरिया, इसी फिगर को अगर हम लेते हैं, ए बी सी डी इज स्क्वेयर, तो एरिया मीन्स इसके इनर पार्ट, अंदर का जो पार्ट है, कितना एरिया, कितनी कितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, इस फिगर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, कितना स्पेस, कितना स्थान इस फिगर ने घेर रखा है, वही कहलाएगा इसका एरिया, जो इनर पार्ट है सारा अंदर का। ये एरिया मीन्स टोटल स्पेस कवर्ड बाय दिस फिगर, इस फिगर ने, इस आकृति ने कितना टोटल जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, टोटल स्पेस घेर रखा है, वो कहलाएगा इसका एरिया। दैट इज इक्वल टू 4 × 4 16 स्क्वेयर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पैरामीटर में और एरिया में डिफरेंस यही है कि पैरामीटर जो होता है वो किसी भी फिगर की बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री की सराउंडिंग की टोटल लेंथ होती है, टोटल कितना स्पेस उस फिगर ने घेर रखा है, कितना टोटल स्पेस उसने कवर कर रखा है, वो कहलाएगा उसका एरिया। यही डिफरेंस है पैरामीटर में और एरिया के अंदर। बारी बारी से हम सभी फिगर्स का एरिया और पैरामीटर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वेयर के पैरामीटर और एरिया को डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद स्क्वेयर, ए बी सी डी इज स्क्वेयर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वेयर, एरिया ऑफ स्क्वेयर का फार्मूला होगा साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि स्क्वेयर के अंदर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, सो एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। नाउ पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर, पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर, पैरामीटर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हमारे पास 4 × साइड रेक्टेंगल। सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है वो पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये सपोज कर लो लेंथ है इसकी एल और ये ब्रेथ है बी, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दोनों का हमें सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये फार्मूला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का। कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल इन विच
अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो इसके एरिया का जो फार्मूला वो है बेस इनटू हाइट. बेस ये बेस हो जाएगा, हाइट हमें गिवन मिलेगी इसके अंदर, ये मान लो इसकी हाइट है, तो बेस इनटू हाइट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. पैरामीटर सेम हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फोर साइड्स, इसकी जो फोर साइड्स हैं सब काम सम कर देंगे, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस आपको गिवन है, हाइट हो जाएगी ये h, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से और उसका हाफ कर देंगे, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल अगर आपको निकालना है तो वह सेम हो जाएगा, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स इज द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल. नेक्स्ट हम लेके चलते हैं सर्कल को, कि व्हाट इज एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल. सर्कल इज ए राउंड फिगर, फॉर एग्जांपल बाइसिकल का टायर है वो एक सर्कल है, दूसरा आप स्कूटर का टायर एक सर्कल है, तो इस तरह की जो राउंड फिगर की जो राउंड फिगर्स हैं वो सब क्या कहलाएंगी, सर्कल. तो हमें सर्कल का एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर. आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज आर रेडियस, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर. आपको आर गिवन है तो आप एरिया सर्कल का निकाल सकते हैं. नाउ पैरामीटर, अब सर्कल के केस में हम पैरामीटर को लेके चलते हैं सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस एंड पैरामीटर दोनों ही सेम थिंग है. सर्कल के केस में हम पैरामीटर को सर्कमफेरेंस मान के चलते हैं. सो सर्कमफेरेंस, या ये कहें कि पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr. ये फार्मूला है सर्कल के सर्कमफेरेंस या परिधि या पैरामीटर निकालने का, 2πr. r इज द रेडियस. अगर आपके पास रेडियस गिवन है तो आप 2πr फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल. पाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 22/7 इन फ्रैक्शन एंड 3.14 इन डेसिमल फॉर्म. तो इन दोनों वैल्यूज में से दो आप कोई वैल्यू यूज कर सकते हैं. पाई की वैल्यू 22/7 एंड 3.14, ये पाई की वैल्यू रहेगी. इसको आप पुट करके सर्कमफेरेंस या एरिया सर्कल का आसानी से निकाल सकते हैं. तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा.